राम राम किसान भाइयों, आज मैं आपको मटर की खेती के बारे में बताऊंगा। बीज उपचार से लेके बोने से लेके बीज के जमाव से लेके और हार्वेस्टिंग तक, तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपको अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग टेक के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, अक्टूबर महीने के अंदर हमारी मटर की जो बुआई है वो शुरू हो जाती है। अक्टूबर महीने में मटर की बुआई अपने खेत में तैयार, खाद वाद डाल के सभी किसान शायद तैयार भी होंगे, और जिन्होंने शुरुआत कर दी है मटर की तो उनके लिए कुछ विशेष, और जो मटर की बुआई करना अब करेंगे उनके लिए कुछ विशेष। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इसके अंदर आपको मटर का बीज कौन सा लें, तो देखिए मटर का बीज जो हर कंपनी है, आजकल कंपटीशन हो गया है तो हर बीज ठीक आता है, लेकिन इसके अंदर मेजर जो प्रॉब्लम होती है एक मटर का दाना जो गोल साइज के अंदर हो जाता है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और मेरे को पता है कि भली भांति जो मटर की खेती करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा बीज लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मटर के बीज लेने, अच्छा सीड लें, उसके अंदर जो मटर के गोल दाने आते हैं वो वाली चीज़ देख लें कि उसके अंदर ज्यादा ना हो। साथ ही साथ इसको अपन बीज उपचारित कैसे करते हैं, तो थायरम कार्बोक्सिन और थायरम का आप उपचारित करके बीज को आराम से आप लगा सकते हैं। उससे पहले अपन जमीन के अंदर जो बेसल डोज होता है उसके अंदर 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो सल्फर हो गया, और सुपरफास्फेट हो गया, सल्फर हो गया, और तो वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अपन गोबर की ट्रोलियाँ उसमें डाल लेते हैं, तो वैसे कोई ज़्यादा इसमें विशेष नाइट्रोजन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ये प्रकृति से बनाता है। इसके अंदर राइजोबियम की छोटी छोटी गाती होती है जैसे मूंगफली, और इसके अंदर तो ये नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से बना लेते हैं। जो किसान लेना चाहे वो 15 से 20 किलो नाइट्रोजन ले सकते हैं इसके साथ। इसको जमीन में बिखेरने के बाद आप अपने 30 से 35 किलो, ये बीघा के हिसाब से बीज काम में आता है चुबाई के अंदर, तो आप उसको छिड़काव करके ये बीज की चुबाई करा सकते हैं। देखिए मेन चीज़ ध्यान रखने की वाली बात यह है कि अपने बीज के जमाव को अच्छी तरह करने के लिए अपन को पहली सिंचाई मटर के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से देनी है, जिससे कि ज़्यादा पानी देना है जो मटर का अंकुरण अच्छी तरीके से हो सके। अंकुरण आप अच्छी तरह पानी पिलाओगे तो पूरा जमाव बिंदु है वो ठीक पोजिशन पर आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शायद आप सक्षम हो इस चीज़ के लिए। और आगे फिर जमाव पानी देने के बाद आप 1 से 1.5 महीने के आसपास जब टमाटर अपने मटर हो जाते हैं तो उसके अंदर अपन पहली निराई गुड़ाई करते हैं। तो निराई गुड़ाई के अंदर अपन खाद जो लेना चाहिए वो खाद आप माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए, और साथ में आप सल्फर अगर बेसल डोज में ले लिया हो तो कोई आवश्यक है नहीं, अगर नहीं लिया हो तो आप सल्फर उसके साथ दे सकते हैं 80% जो पाउडर पॉल्यूशन के अंदर आती है। उसके बाद निराई गुड़ाई करने के बाद अगर कुछ खरपतवार अपने ज़मीन के बाहर निकलते हैं तो उसके लिए जो अपने मूंगफली के अंदर और मटर के अंदर जो खरपतवार की दवाई अपन ने काम में लेते हैं वो दवाई अपन काम में ले सकते हैं। इमीजिएट हाइपर टेक्निकल आता है उसका, तो वो अपन काम में ले सकते हैं। उसके बाद में निराई गुड़ाई करने के बाद अपन ने बेसल डोज दे दिया, खरपतवार का दे दिया, उसके बाद में अपन को फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जिसके अंदर आप कॉपर और मेटल एक्सेल का स्प्रे ले सकते हैं, जिससे कि आजकल ब्लाइट की जो प्रॉब्लम आ रही है बार बार किसानों के, फार्मरों के बार बार, तो उसके अंदर मेटल एक्सेल कॉपर आप ले सकते हैं, ये कैप्टन और हेक्साकोनाजोल, ये भी आप टेक्निकल ले सकते हैं फंजीसाइड के बाद सर्दी और पाले से बचाव के लिए, क्योंकि उस समय आप जिस स्टेज पर आप 1-1.5 महीने बाद अगर स्टेज पर जा रहे हो तो वहाँ पर सर्दी और पाले की समस्या बढ़ जाती है। तो वहाँ सर्दी और पाले की समस्या को निवारण के लिए अपन थायूरिया आता है उसका स्प्रे निकाल के अपन 50 से 60% पाला जमने की अवस्था के अंदर अपन बचाव कर सकते हैं। अब देखिए कि पाला कब पड़े, क्योंकि जब उत्तरी हवाएं तेज हो उस दिन ध्यान रखिए कि आपको पाला पड़ने की संभावना रहती है, तो उस समय आप शाम को स्प्रे निकाल सकते हैं थायूरिया का, तो उससे आप सर्दी के लिए काफ़ी बचाव हो जाएगा। इस विधि से अगर आप बीज उपचारी से लेके बेसल डोज से लेके अगर आप पाले से बचा के अगर आप लेके फसल को पूरा स्टेज कवर करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन ले पाएंगे।